और इसी बीच आ रही एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से, आप नेता जनरेल सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नशे के मुद्दे पर जनरेल सिंह ने सरकार पर साधा निशाना, कैप्टन सरकार को घेरा है। 4.5 साल में नशे पर सरकार नहीं लगा पाई लगाम। पंजाब के लोगों के साथ कांग्रेस ने की वादा खिलाफी, नशे के मुद्दे को उठाया है आम आदमी पार्टी ने। आप नेता जनरेल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज 4.5 साल गुजरन तो बाद भी अपनी नलायकी किस तरीके छुपाई जा रही है, वो अज के ट्रिब्यून पेपर के इस आर्टिकल तो साफ जाहिर होता है। पंजाब दे होम डिपार्टमेंट जिदा जिम्मा आप मुख्यमंत्री साहब देखते हैं, उसके अडिशनल चीफ सैकटरी अनुराग अग्रवाल जी, एसटीएफ के चीफ हरप्रीत सिंह सिद्धू जी ने लैटर लिखते हैं भाई 3 साल होने तो बाद भी इस लैटर में बार बार एक बिग फिश का जिक्र किया गया भाई। इस बिग फिश को फड़न में यह एसटीएफ क्यों हले तक नाकामयाब रही। अगो हरप्रीत सिंह सिद्धू जी का रिप्लाई है कि ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, होम डिपार्टमेंट तो एसटीएफ जी की जिम्मेवारी है नशे के कारोबार को ठल पाना। वह एसटीएफ के जो चीफ ने होम डिपार्टमेंट को कहते जी मैं लैटर में लिख के रिप्लाई देंगा, मीडिया को रिप्लाई नहीं दे सकता। इस सारे खेड में जो एक पास रखिए, डिपार्टमेंट होम हो एसटीएफ हो, वादा पंजाब के लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह तो लिया सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के वादे ते एतबार करके पंजाब के लोगों ने उन्होंने वोट पाई सी। अज डिपार्टमेंटा के खेड में पंजाब के लोगों को नाल जाओ, अपनी 4.5 साल की नाकामिया स्वीकार करो ते आने वाले टाइम च लोग आपे डिसाइड कर लेंगे भी किनू चुनना है। सरेआम कांग्रेस पार्टी के MLA भावें मदन लाल जलालपुर होण, भावें हरदयाल सिंह कंबोज होण, भावें रमनदीप सिंह सिक्की होण, तो भावें होर वड्डे वड्डे कई सारे नां अकाली दल दे भी नशे के कारोबार में सरेआम सामने आए ने। दोवां की रली मिली सरकार है, दोवां की मिली भगत करके अज पंजाब विच नशे का कारोबार खत्म नहीं हो पा रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार जो पूरी तरह फेल हुई है, तो हुण तक अज की डेट जो मौजूदा प्रधान ने पंजाब कांग्रेस के, वो आप इस चीज़ के इल्जाम सरकार से लाते रहे ने भी आप किहड़ा मूंह लैके लोगों विच जावांगे। अज जे वह प्रधान बन गए ने तो उन्हों की भी जिम्मेवारी बनती है कि आ सारी चीज़ों के उपर जवाब वो देन, नहीं तो टाइम बहुत थोड़ा रह गया, लोगों ने आपे सही टाइम होते जवाब ले लेना। दूजे पासे दिल्ली सरकार के काम करन दे तरीके नूं वेखदे होए भाई जिहड़े वादे दिल्ली सरकार ने चोणां वेले कीते सी उह किस तरीके से नीयत साफ होवे ते डिलीवर हो सकते हैं, उस सब नूं वेखदे होए पंजाब विच आम आदमी पार्टी का परिवार हर दिन वधदा जा रहा है। अज होर कई सारे नवे साथी उस कारगुजारी नूं वेख के दिल्ली दे अरविंद केजरीवाल सरकार दे गवर्नेंस मॉडल नूं वेख के पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं पंजाब आम आदमी पार्टी के जनरल सकत्तर हरचंद सिंह बरसट जी नूं बेनती करदा कि वो सारे लोगों नूं पार्टी में ऑफिशियली शामिल करन दी शुरुआत शुरू करन। धन्यवाद साहब जरनैल सिंह जी। अज जिस तरह साहब जरनैल सिंह जी ने खुद ही दस्सिया कि बहुत सारे लोग कल भी असी ज्वाइनिंग कराई, परसों भी कराई, बहुत भारी गिणती दे विच सूझवान लोग जिहड़े पंजाब नूं इन्हां लुटेरियां पार्टियां तों बचाउणा चाहुंदे ने, जिहड़े पंजाब नूं खुशहाल देखना चाहुंदे ने, ईमानदार लोग ने, वह पार्टी दे विच शामिल हो रहे ने। अज उस कड़ी दे विच साडे नाल ललित मोहन पाठक जी जिहड़े कि बहुत ही नवां शहर तों मन्ने परमन्ने चेहरे ने, ये 4 टाइम लगातार कौंसलर रहे ने, 2 वारी यह म्यूनसिपल कौंसल के प्रधान रहे ने और सिटिंग कौंसलर ने हुण फिर जिते ने। यह कांग्रसियां दे सारे धक्कियां दे बावजूद ये दोबारा मार्जन 1162 वोटां नाल जिते ने और टोटल वोट इन्हां 1352 वोट पोल हुई सी जिहदे विचों यह 1162 वोटां नाल जिते ने और बहुत ही सोशल कम्मां च वी इन्हां दा नाम है। नवांशहर दे विच जानी पछाणी शख्सियत ने, यूथ कांग्रेस तो लैके हुण तक इन्हां ने पार्टी दे विच वड्डे पद्धर ते सेवा कीती है और इन्हां दे नाल ही विनोद कुमार पिंका जी वह भी जिहड़े 3 टाइम कौंसलर रहे ने और एक्स प्रेजिडेंट ने इन्हां दे फादर साहब म्यूनसिपल कमेटी नवांशहर दे और नाल बलविंदर जी ने जिहड़े 2 टाइम कौंसलर रहे ने और सरदार महेंद्र सिंह जी रिटायर्ड DSP ने जिहड़े एक्स कौंसलर ने, लखविंदर लद्दड़ जी लक्की जिहड़े एक्स प्रेजिडेंट ने यूथ अकाली दल दे, ये सारे साथी अज अरविंद केजरीवाल जी दियां नीतियां नूं देख के आम आदमी पार्टी विच शामिल होने वास्ते पार्टी दफ्तर पहुंचे ने। असी पार्टी वल्लों इन्हां दा स्वागत करदे हां। हुण मैं बेनती करांगा
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਜਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਸਾਥ ਜਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣਗੇ ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਆਜੋ तो चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। पंजाब के लोगों के साथ कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है, ऐसे आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी नेता जनरल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नशे के मुद्दे पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां इस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और सिलसिला ये विधानसभा चुनाव तक जरूर हमें देखने को मिलता।